कांग्रेस के कद्दावर नेता और बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा के वर्तमान विधायक रामदेव राय के असामायिक निधन पर पूरे विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में शोक की लहर फैल गई। बता दें कि शाम ढलने के बाद दिवंगत विधायक रामदेव राय का शव जैसे ही बछवाड़ा मुख्यालय पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष ने अपने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विधायक रामदेव राय का पार्थिव शरीर मंसूर चक होते हुए उनके पैतृक गांव चक्का सहलोरी पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस विधायक रामदेवरा की मृत्यु के बाद केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के सांसद युवराज सिंह ने भी अपनी शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने अपनी शोक संवेदना में कहा कि वो सामाजिक व्यक्ति थे, उनके निधन से समाज में अपूर्ण क्षति हुई है। दुखद समाचार मिला, रामदेव राय कांग्रेस के विधायक थे, उनका निधन। मैं समझता हूँ समाज के लिए रामदेव राय एक ऐसे व्यक्ति थे, मिलनसार थे, सामाजिक जीवन में सक्रिय थे, और उनके निधन पर जो क्षति हुई समाज को उसका पूर्ति करना कठिन है। एक मृदुभाषी थे, मेरा वैचारिक मतभेद जरूर था लेकिन सामाजिक मतभेद नहीं था, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदनशील। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने कहा कि रामदेव राय की मृत्यु समाज के लिए एक अपूर्ण क्षति है, जिसकी पूर्ति कर पाना आने वाले समय में काफी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हमारे विपरीत पार्टी में थे, हमारा उनसे वैचारिक मतभेद था, लेकिन सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में हुए बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाते थे। उनके असामायिक निधन से पूरा जिला गमगीन है। व्यक्ति का जन्म और मृत्यु यह सत्य है। रामदेव राय जी के गुजर जाने से उनको अपार क्षति अवश्य हुई है, जबकि हमारे विपरीत दल में थे, लेकिन दल से यह मतलब नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी सामाजिक स्तर पर हम लोग एक थे। उनके मर जाने के बाद मैं बहुत बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ उनकी पुण्यात्मा को शांति मिले। गौरतलब है कि रामदेव राय लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और पटना के पारस अस्पताल में मृत्यु हो गई। रामदेव राय के निधन से बिहार कांग्रेस में शोक की लहर फैल गई है। कांग्रेस के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।